अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह की बरकत नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिंग ईमेल एड्रेस, यानी अपने वेब पेज पे अपना ईमेल एड्रेस देना, ताकि हमारे यूज़र को कोई क्वेश्चन हो या कोई मुश्किलात हो हमारी, या कोई कंप्लेंट होगा हमारे वेबसाइट के हवाले से, तो वो हमें दे सकें। इसके लिए हम लोग तीन टैग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एंकर टैग, इसको क्लोज करना हमारे पास लाजमी होता है। उसके बाद हम लोग HR का टैग लगाते हैं। इन दोनों पर तफसील से बात हो चुकी है। आज जो हमारे पास न्यू है वो है मेल टू एटीट्यूड। ये हमारे यूज़र को या हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है कि हम लोग एक ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, आपने हमें उस पते पे पहुँचाना है। तो अभी हम देखते हैं कि हम लोग इसको HTML में कैसे लिख सकते हैं। ये नोट पैड मैंने ओपन किया, मेरे पास लास्ट नोट पैड ही ओपन है। यही तो सब लाइन टेक्स्ट की फ़ायदा होता है कि वो हमारा प्रीवियस लेक्चर भी उस तरह सेव रहने देता है। ये मैंने इसको ख़त्म किया, हेडिंग डाल दी, हेडिंग का टैग डाल दिया, लिख दिया हेडिंग ईमेल एड्रेस। सबसे पहले हमने अपना एंकर का एट्रीब्यूट डाला, HREF का एट्रीब्यूट हमारे पास खुद आ गया। अब HREF का एक एट्रीब्यूट हम लोग डालेंगे मेल टू, जो कि हमारे वेब ब्राउजर को पता है कि हम लोग एक ईमेल एड्रेस दे रहे हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है मेल टू, के बाद आपने सेमीकोलन लाजमी डालना है, वरना आपका ईमेल एड्रेस काम नहीं करेगा। मेरा ईमेल एड्रेस है समीउल्लाह साज एट gmail.com। इसके बाद मैं दो एट्रीब्यूट यानी ओपन और क्लोज के दरमियान में वो टेक्स्ट लिखूंगा जो मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। सेंड मी मेल फॉर मोर वीडियो, ये मैंने अपने पेज को सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए सेंड मी मेल फॉर मोर वीडियो, जब हम लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जीमेल में लिंक ओपन हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ये हो गया एक लिंक। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा लिंक डालें तो उसका भी तरीकाकार कुछ सेम ही है। उसको कॉपी करें, पिछले वाले को VR का टैग ज़रूर डाल लें। आप कंट्रोल सी से पूरा टेक्स्ट या लाइन कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने पेस्ट किया 3 से 4 मरतबा। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ जाए। ये मैंने अपने पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए बहुत से आ गए। अब हम जिस लिंक पर क्लिक करेंगे वही एड्रेस हमारा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने वेब पेज पर MP3 वीडियो कैसे लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले लेक्चर भी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।